अहम खबर देंगे आपको। वफाकी काबिना के इजलास में आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई, तो वह नाम सामने आ गया जिसका सबको इंतजार था। सियासी सूरत हाल में हिजानी कैफियत थी और आज ऐलान कर दिया गया है कि सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज वफाकी काबिना का इजलास था जिसमें मंजूरी दी जानी थी। यकनुकाती एजेंडा था इस इजलास का कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, और अब फैसला हो चुका है कि आइंदा 3 सालों के लिए लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला हुआ है, यह अहम तैनाती इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद की गई है। गुज़िश्ता रोज ही एक इशाया का एहतमाम किया गया था जिसमें इत्तेहादियों को मदऊ किया गया। इस नाम पर सबको एतमाद में लिया गया।